क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं, इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। ये फोन सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बना है। 20,000 रुपए बजट की अगर मैं बात करूं, फिलहाल तो ये स्मार्टफोन सेल पे मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजन पे 15-16 हज़ार रुपये में मिल जा रहा है। फिलहाल इस बजट में इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस और कोई स्मार्टफोन नहीं दे सकता। अगर मैं अभी की बात करूं तो बैटल ग्राउंड, COD और भी जितने हैवी गेम्स हैं, दबाकर खेलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर 40-45 मिनट लगातार आप गेमिंग करते हैं तो स्मार्टफोन में थोड़ा सा गर्माहट बना जाता है, मतलब थोड़ा सा हीटअप होने लगता है। बट हाँ, हीट होता है, ओवरहीट नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग जो सिस्टम है ना, इस स्मार्टफोन की गर्मी को कंट्रोल करके रखता है। तो गेमिंग के मामले में आपको एक भी पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। कैमरा थोड़ा सा एवरेज, मतलब ठीक ठाक है। कैमरा से अच्छे कैमरा फीचर्स हैं इसमें, काफी सारे प्रोफेशनल कैमरा फीचर्स। शक्ल को चमकाने के लिए 20+ फिल्टर्स मिल जाते हैं इसमें, पोर्ट्रेट, वाइड, अल्ट्रा वाइड, उसके बाद में क्लोन फोटो, क्लोन वीडियो। यही सेम चीज अगर हम DSLR से करते हैं तो काफी घंटों लग जाएंगे एडिटिंग करने में, बट इस फोन में क्लोन और ये सारी चीजें काफी आसानी से हो जाती है। डुअल वीडियो और ब्लॉग मोड भी इसमें मिल जाता है, स्लो मोशन, और 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर, मैक्रो वीडियो, मूवी मोड, और जो सबसे खतरनाक चीज है वो है इसका ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट। बस एक बार सिलेक्ट कर दो, बार बार उंगली करने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फी भी अच्छी खासी आ जाती है, और इसके फ्रंट कैमरा से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मूवी मोड भी इसमें में मिल जाता है, और हाँ, स्मार्टफोन के रियर फ्रंट दोनों कैमरा में हमें नाइट मोड फीचर देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स काफी सारे हैं स्मार्टफोन में, बट कैमरा की जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है, वो थोड़ी सी मतलब एवरेज से थोड़ी सी ऊपर है। तो अगर आपका कैमरा प्रायोरिटी है, मतलब आपको स्मार्टफोन से फोटोज, वीडियोज या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करनी होती है, तो ये स्मार्टफोन मत खरीदो। इसी बजट में और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, IPS पैनल है, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा है, काफी स्मूथ चलती है बिना किसी रोक टोक के। पर डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे यूज करते हैं तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि जो ब्राइटनेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। बट हाँ, अगर आप घर में बैठ के यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। OTT प्लेटफॉर्म पर आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, क्योंकि L1 सपोर्ट इसमें मिल जाती है। और हाँ, स्क्रीन पे गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन है, तो टूट फूट की भी इतनी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काफी बड़ी स्क्रीन है, और 120Hz रिफ्रेश रेट मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन मिल जाता है। बट इसी बजट में अगर मैं बात करूं तो IPS पैनल काफ़ी पुराना हो गया, मतलब आजकल इसी बजट में हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, लाइक Redmi Note 10 Pro और अपना Realme 8। बैटरी के मामले में ये फ़ोन काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर यूज़र हैं, मतलब दबा के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तब भी आपको 7.5 से 8 घंटे तक का बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, लाइक थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, गाने वाने सुन लिए, वीडियो देख ली, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देख लिया, तो 1-1.5 दिन तक तो आराम से चल जाएगी बैटरी। और स्मार्टफोन 1 घंटा 10-12 सेकंड में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी को लेकर मेरे हिसाब से क्या, मतलब ओवरऑल कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बैटरी के लिए तो मैं 4.8 भी दे दूंगा आउट ऑफ 5। अगर डिज़ाइन की बात करूं तो बजट के हिसाब से पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रीमियम जैसी फील नहीं आती है, और प्लास्टिक बॉडी है तो बिना कवर के यूज़ करने की तो सोचना मत, वरना इसका ढांचा बिगड़ जाएगा। और हाँ, अगर मैं इसके बैक पैनल पर थोड़ी सी नज़र डालें तो बीच में हमें ये ग्लॉसी डिज़ाइन साइड से मैटी फिनिशिंग मिल जाती है, तो हमारी उंगलियों के निशान काफ़ी आसानी से ये ग्लॉसी फिनिशिंग पे छप जाते हैं। बट हाँ, मैटी फिनिशिंग को लेकर ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब फिंगरप्रिंट्स उस पर नहीं छपते, लेकिन भैया कवर यूज़ करना इसके साथ में कंपलसरी है, मैं ऐसा बोलूँगा। बाकी स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड से मिलता है हमें, बट इतना फास्ट काम करता है, मतलब टच करो इधर ओपन, टच करो और इधर ओपन। फेस एनालॉग भी काफ़ी फास्ट काम करता है, तो सिक्योरिटी को लेकर कोई भी इशू नहीं होने वाला। बाकी कनेक्टिविटी, कॉलिंग, स्पीकर्स, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगर इसके मैं ओवरऑल ढांचे की बात करूं तो स्मार्टफोन थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कई बार आपको दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा इसे चलाने के लिए, बट साइड बाई साइड स्क्रीन बड़े होने के फायदे भी हैं, मतलब गेमिंग करते हुए मजा आएगा। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बड़ी स्क्रीन है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। थोड़ा सा हैवी वेट जरूर है, मतलब शुरुआत के 2-4 दिन आपको काफ़ी अजीब सा लगेगा, बट उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, मतलब आदत सी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि किस किसको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए
और किसे नहीं खरीदना चाहिए। जो लोग खतरनाक वाले गेमर है, मतलब मोबाइल पे गेमिंग करते हैं, आप इसे ले सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस और बैटरी को लेकर आपको 1% की दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है, मतलब आपको फोटो वीडियो या फिर ब्लॉगिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस स्मार्टफोन को मत खरीदो, क्योंकि सेम बजट में काफी सारे अच्छे खासे स्मार्टफोन अवेलेबल है। और हाँ, टॉप 5 4K कैमरा स्मार्टफोन की वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज, सेम बजट में कैमरा अच्छा होने के साथ साथ स्क्रीन भी आपको सुपर एमोलेड मिल जाएगी। बैटरी, परफॉर्मेंस, साइज, बेसिकली जो गेमिंग करते हैं और हमारे काफी सारे भाई लोग जो स्मार्टफोन पे ही वीडियो एडिटिंग करते हैं, स्मार्टफोन खरीद लो आप लोग, आपको 1% की दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको 20,000 रुपए के बजट में ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप रियलमी 8 या फिर रेडमी नोट 10 प्रो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, पोको X3 प्रो के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डाउन मिलेगी। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।